तो गाइज अगर आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है तो आप उसे किस तरह से रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोल लेना है और क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद आपने अपने क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब चैनल अपना खोल लेना है। दोस्तों कुछ इस तरह से मैं अपने मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपने मोबाइल में अपने क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। उसके बाद में आपने इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद क्लिक कर देना है आपने रिक्वेस्ट एज ए डेस्कटॉप साइट के ऊपर। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो चैनल है वो खुल जाता है कुछ उस तरह से जैसे कि लैपटॉप में खुलता है। उसके बाद में आपने अपने चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है जो कि कॉर्नर में होता है। तो इसके लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होता है क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर। दोस्तों क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो भी वीडियोस अपलोड करके रखी होती हैं वो वीडियो सब की सब आपके यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ से आपको वो वीडियो ढूंढनी होती है जिस वीडियो के ऊपर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। चलिए दोस्तों मैं उस वीडियो को ढूंढ लेता हूँ। और दोस्तों एक बात आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक फेक मिली है, कोई नकली कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, तो ऐसे में भी आप पहले कोशिश करें कि आप रिक्वेस्ट कर लें उनसे जिन्होंने कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक फेक भेजी है। अगर कोई रियल भेजी है तो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर फेक भेजी है तो भी रिक्वेस्ट कर लें। अगर आप ऐसे ही काउंटर क्लेम कर देते हो तो वो गलत बात होती है, ऐसे में हो सकता है कभी कभी आपको जो उसकी सज़ा है वो डबल मिल सकती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि पहले रिक्वेस्ट कर लें। तो यही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं, शायद कोई ही यूट्यूबर ने आपको बताया होगा, लेकिन तीन ऑप्शन से आप जो अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव करा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपने वो वीडियो ढूंढ लेनी है जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिएटर स्टूडियो में जाके, उसके बाद उस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पे वो वीडियो हैव टू ऐड लोकेशन इन यूट्यूब वीडियो, आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो टेक डाउन कॉपीराइट स्ट्राइक, तो इसके ऊपर जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल फेक है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे, शायद वो इस कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा दे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कोई प्यार से ना माने, अगर आपको फेक स्ट्राइक भेजी है और वो प्यार से नहीं मान रहे तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है। चलिए दोस्तों फिलहाल आपने सबसे पहले उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है जिस वीडियो के ऊपर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। तो यहाँ पे वीडियो टेकन बाय डॉन कॉपीराइट जो यहाँ पे लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर दे। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है गज। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लेमेंट कंटेंट और पॉलिसी तीन ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लेमेंट में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये होता है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस होगा जिन्होंने भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है। तो यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, तो आप जो है उसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनका देख सकते हैं कि ईमेल एड्रेस यहाँ पे है और ऊपर लिखा हुआ इनका नाम एक्स कार्टून वर्ल्ड, जो भी ये मेरे भाई हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आगे अगर आपके पास यहाँ से कॉन्टैक्ट आप नहीं करना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है रिक्वेस्ट रिस्ट्रिक्शन का। तो यहाँ पे के ऊपर आप कॉर्नर में देख सकते हो, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप उनको जो ईमेल है वहाँ से भी ईमेल डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से नहीं करनी तो मैं आपको बताऊंगा कि यहीं से कीजिए, ये क्योंकि सबसे बढ़िया आइडिया है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप क्लिक देखेंगे कि इफ़ यू रिमूव्ड ए वीडियो, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप जाएंगे तो कॉपीराइट ऐट द रेट यूट्यूब डॉट कॉम जहाँ पर लिखा है, तो ये यूट्यूब का एक ईमेल एड्रेस है। तो सबमिट योर रिट्रैक्शन टू, आगे ईमेल एड्रेस दिया है यूट्यूब का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से ये ऑप्शन मांगता है कि आपको जीमेल करनी है, तो आपको अपने जीमेल खोल लेनी है यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जीमेल अकाउंट खुल चुका है। तो गाइस यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको जो है यहाँ सब्जेक्ट टाइप करना है, तो सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है, रिट्रैक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है, रिट्रैक्ट कॉपीराइट आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो है देखिए आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कंपोज ईमेल। तो यहाँ पे कंपोज ईमेल में जो आपको ईमेल टाइप करनी है जिसमें कि आपको बताना है कि कौन सा कंटेंट जो है आपने कॉपी किया था, उनको एक रिक्वेस्ट करनी है उस ईमेल में। अगर आप बेहतर इंग्लिश लिखना जानते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप खुद से लिख लें, बट अगर मेरी तरह आप भी अच्छी इंग्लिश लिखना नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सिंपल से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर एक ईमेल पड़ी होगी, उसको आपने कॉपी कर लेना है। दोस्तों जो ईमेल है वो कुछ इस तरह की होगी, डियर सर आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग वीडियो, तो आपने जो इसे मेरे डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहीं से कॉपी कर लेता हूं। इसके बाद में जो है आपको वो ईमेल कॉपी कर लेनी है और यहां पे आप के कंपोज ईमेल में जो है वो पेस्ट कर देनी है। दोस्तों यहां पे पेस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का वो आ जाएगी, यहां पे आपको ध्यान देना है लिखा हुआ, देखिए डेयर सर आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग वीडियो। तो वीडियो क्या गया आप यहां पे देखेंगे, वीडियो टाइटल जहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पे आपको काट के यहां पे आपको उस वीडियो का टाइटल डालना है जिस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आया हुआ है।
दोस्तों आपको उस वीडियो को टाइटल कैसे निकालना है ये बताता हूँ अब आपको। तो ये है वो वीडियो, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लिक करना है थोड़ी देर, और उसके बाद मैं आपको इसका टाइटल जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है दोस्तों। कॉपी करने के बाद जो है दोस्तों आपको टाइटल वहाँ पे डाल देना है जहाँ की मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको आ जाना और जहाँ की लिखा है वीडियो टाइटल तो इसको आपने काट देना है और यहाँ पे वो टाइटल आपने डाल देना है जो कि अभी कॉपीराइट वीडियो का आप लेके आए हो। दोस्तों यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए आप कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, डियर सर आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग माई वीडियो हाउ टू एड लोकेशन इन यूट्यूब वीडियो। दोस्तों यहाँ से जो आपका टाइटल बन गया, उसके बाद जो दोस्तों आपको ध्यान देना है, देखिए नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है हेयर आर वीडियो डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पे जो है हेयर आर वीडियो डिटेल्स के आगे आपको डालना होता है उस वीडियो का यूआरएल जिस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर आर वीडियो डिटेल्स, दोस्तों उसका यूआरएल आपने किस तरह से निकालना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो गलत लिंक आपने नहीं डालना है ताकि सामने वाले को जो है वो अच्छी तरह से क्लिक उसके ऊपर कर पाए और आपकी वीडियो पे पहुँच पाए। दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो के थंबनेल के ऊपर क्लिक करना होता है, तो जिस वीडियो के ऊपर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आई है उस वीडियो के थंबनेल के ऊपर क्लिक कीजिए। हालांकि थंबनेल यहाँ से गायब हो चुका है लेकिन फिर भी आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं इस तरह का पेज खुल जाए, तो ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जो है आप लिंक कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बस थोड़ी देर प्रेस करना है और लिंक को कॉपी आपने कर लेना है। दोस्तों लिंक को कॉपी करने के बाद आपने फिर वही ईमेल पे आ जाना है, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ लिखा हेयर आर वीडियो डिटेल्स, तो उसके आगे जो है आपको वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो भी आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आया है। अब दोस्तों कुछ होता है इस तरह से, देखिए आपका ऊपर जो है टाइटल चला गया ईमेल में, उसके बाद में लिंक भी चला गया। अब सामने वाले को आसानी होगी, हो सकता है सामने वाले ने ऑलरेडी 5 या 6 वीडियो के ऊपर जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक दी हो, तो ऐसे में अगर लिंक और टाइटल भेजते हैं आप तो उनको समझ आ जाती है कि हाँ हमने इसके ऊपर कॉपीराइट दिया था। उसके बाद में आगे देखिए लिखा हुआ है वेस्ट रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे योर नेम को काट के आप अपना नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नवी, आप चाहें तो अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में जो है आपको इसको सेंड करना होता है, तो चलिए मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ कि ऐसे में कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव होती है या नहीं। तो ऊपर में आपको यहाँ पे सेंड का बटन मिल जाता है, तो आपको सबसे पहले इसे सेंड करना है। मैं अभी इसलिए सेंड नहीं कर रहा क्योंकि दोस्तों ये ईमेल मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी है और उसके बाद में मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक हट गई, वो मैं आपको विद प्रूफ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना जीमेल अकाउंट दिखा देता हूं, तो चलिए सबसे पहले वो ईमेल देख लेते हैं जहां की मेरे को ये कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉपीराइट टेकडाउन नोटिस तो हाई कूल माइंड टेक, तो ये भेजी थी यहां पे एक्स कार्टून वर्ड ने। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इनकी एक्स कार्टून वर्ड जो है इनकी तरफ से, जब मैंने आपको बताया किस तरह से ईमेल करना है उसके बाद इनकी तरफ से ये रिप्लाई आया, तो इन्होंने कहा कि मैंने स्ट्राइक हटा ली है, 1 घंटे में स्ट्राइक हट जाएगी, जो हुआ उसके लिए सॉरी। और दोस्तों उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर यूट्यूब ने भी मेरे को ईमेल कर दिया था कि बहुत बहुत मुबारक हो हाई कूल माइंड टेक, गुड न्यूज़ एक्स कार्टून वर्ड जस्ट रियलाइज कॉपीराइट क्लेम ऑन योर यूट्यूब वीडियो, तो चेक योर अकाउंट स्टैंडिंग। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से प्रूफ मिल जाए कि दोस्तों ऐसे कॉपीराइट स्ट्राइक हट सकती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप प्यार से सभी से पेश आइए तो बहुत बढ़िया रहता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक अभी नहीं है। दोस्तों इस बात का ध्यान दें कि जब भी आप ईमेल करते हो तो हो सकता है कि यार सामने वाला जिसने भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई है वो बिजी हो सकता है, थोड़ा टाइम 5 या 6 या 7 दिन वहाँ पे लग सकते हैं। तो ऐसे में जो है आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, थोड़ा इंतज़ार करना सीखें। जल्दबाजी में मैं आपको बताऊँगा कि कोई भी ऐसे मतलब काउंटर क्लेम वगैरह ना ठोके, अगर आपको बड़ी टाइम बाद रिप्लाई नहीं आता है बहुत हद हो जाती है, आप 1-2 बार ईमेल करके देख लीजिए, उसके बाद भी अगर आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो रिमूव नहीं होती है तो उसके बाद में आप जो काउंटर क्लेम कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्ट्राइक जो है वो जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना यार। तो भगवान करे आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, टेक केयर एंड टाटा दोस्तों।